वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तोहीन अदालत के मुकदमे में तफसीली फैसला आने के बाद बहरानों से निकलने के लिए क्या ऑप्शन बेहतर रहेगा, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा, स्विस अदालतों को खत या फिर फौरी इंतखाबात? पूछते हैं अरकाने पार्लियामेंट से। बेहतरीन ऑप्शन है अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन करें और पूछे कि इस फैसले के नतीजे में आया इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाइड हुए कि नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा देना चाहिए ज़ाती तौर पर और फौरी मुतालबा इंतखाबात कराने चाहिए। वज़ीर-ए-आलम साहब भी एक मोतबर क्लाइंट हैं और वो अपील करेंगे। अखलाकियात में ऐसे मिसालें बहुत हज़ारों मिलते हैं, जिन लोगों पर झूठा भी अगर इल्ज़ाम लग जाए तो भी वो आपके जो पब्लिक ऑफिस होता है वो छोड़ देता है। हिरस और लालच में कुर्सी के साथ जुड़े हुए हैं, चिपटे हुए हैं। बेहतर उनके लिए यही है कि वो स्टेप डाउन कर दें। शरीफ कोर्ट जो है उनकी ये जजमेंट है, ये फैसला है, मगर हम अदालतों में ज़रूर जाएंगे। अपोजिशन बजिद है कि वज़ीर आज़म गिलानी घर जाएं और फौरी तौर पर आम इंतखाबात कराए जाएं, जबकि हुकूमती अराकीन की राय में अभी अपील समेत कई मराहिल बाकी हैं, लिहाजा अपोजिशन सब्र से काम ले। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ ज़किया मंजूर, समा पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।